अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे कुछ टूरिज्म के हवाले से कि आज का पाकिस्तान, जो मौजूदा पाकिस्तान है, जिसे इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान कहते हैं, इसमें इंसानी इर्तिका की तारीखी पस मंज़र और आज का पाकिस्तान के हवाले से हम कुछ बात करेंगे। सामईन, पाकिस्तान में इंसानी इर्तिका की तारीखी पस मंज़र और तारीखी तौर पर आज से कोई 50,000 साल कबल शुरू हुआ। पाकिस्तान में इंसानी इर्तिका का आगाज 50,000 BC में सिंध में आज का रोड़ी के पहाड़ी सिलसिले पटोवार, पंजाब के सोन वैली में पत्थरों से ऐजादात को बनाने से शुरू हुआ। सबसे पहले शिकार के आलात बनाने लगे और फिर शिकार के तलाश में इन जगहों से दूसरे जगहों के तलाश में भटकते रहे। कोई तकरीबन 10,000 साल कबल, जब मौसम तब्दील होकर मौसम गर्म होने लगा, तो इन खानाबदोशों ने फसल को भी काश्त करना शुरू किया। ये पाकिस्तान में शहरी ज़िंदगी की तरफ पहला कदम था, जिसको तारीख दानों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया है। मगर इसके बावजूद कहाँ और किस जगह पहला शहरी आबादी शुरू किया गया, ये कोई मुकम्मल यकीन के साथ कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मौरखीन ये अंदाज़ा लगाते हैं कि पुराने शहरी आबादियों में कोयटा, लोरालाई, चोप, बलूचिस्तान में खेती बाड़ी शुरू की गई। अगर इस लिहाज से मेसोपोटामिया के साथ तकाबली जायज़ा लिया जाए, तो मेहरगढ़ ट्रांजिट जोन बलूचिस्तान के बालाई इलाक़े मगरिब तक और इंडस के सैलाबी सहराओं और मशरक़ की तरफ कदीम आबादियों में शुमार किए जाते हैं, जिसकी तकरीबन 3,000 की आबादी लाल मिट्टी के बने ब्लॉक के मकानों में रहते थे। यही लाल मिट्टी फसल को स्टोर करने के लिए मटेरियल के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। यह ज़माना कोई 6,000 और 7,000 BC का ज़माना रहा होगा। करीब के ही कब्रिस्तानों से जो चीज़ें अजायब घरों को मिली हैं, उनमें फेरोज़ा के दाने इंसानी डांचून से मिले हैं, जिससे यह अंदाज़ा होता है कि ये लोग बाहर के दुनिया से भी राबितों में थे। और गालिबन इस किस्म के दाने तुर्कमेनिस्तान और ईरान से मंगवाए गए होंगे। ये ज़्यादातर शिकारी या खानाबदोश देखान रहे होंगे। 3,500 BC में अचानक ये अक्वाम मशरक़ की तरफ तब्दील होना शुरू हो गए और दरियाए सिंध के साथ साथ मैदानी इलाक़ों में आबाद होना शुरू हो गए, जिसके आसार अमारी और कोटदिज्जी से मिले हैं। ये आबादियां या तो दरिया के कटाव या जिलजुलों की वजह से ख़त्म हो गए, मगर फिर से इनको आबाद किया गया। इस तरह एक शहर के ऊपर दूसरा, फिर तीसरा शहर आबाद होता चला गया, जिससे मुख्तलिफ अदवार का आज पता चलता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी बाद में मशहूर हुआ, जब हड़प्पा के साइट को रिकवर किया गया। चूँकि हड़प्पा ज़्यादातर इसके करीबी बॉर्डर्स पर ज़्यादा असरानंदाज होता था, जिसमें अफ़गानिस्तान के अलावा ईरान और इंडिया को कवर करता था,
आज का पाकिस्तान मेसोपोटामिया से ज़्यादा बड़ा था। ये आबादियाँ 2500 और 1500 BC के दरमियान अपने उरूज पर था। 1920 में जब पहली दफ़ा हड़प्पा का खुदाई हुआ, फिर उसके बाद 1922 में मोहनजोदड़ो का काम हुआ, माहिरीन आसार कदीमा को इसके कबल के बारे में, इससे पहले के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था कि पुराने वक्तों में पुराने आबादकार लोग कौन थे और क्या थे जो आज का सरजमीन पाकिस्तान है। इस लिहाज से मिस्र के अंदर लोग अपने हरम को बनाने में ग़ुलामों से काम लेते थे, जबकि हुनरमंद टेंपल बनाने में मसरूफ़ थे। इसके बरक्स हड़प्पा में लोग ज़्यादातर मनसूबाबंदी के साथ ज़्यादा खूबसूरत तामीरात में मसरूफ़ थे। ख्याल किया जाता है कि हड़प्पा की आबादी तकरीबन 80,000 पर मुश्तमिल थी। मजकूरा आबादियों के बाद आर्यन का जिक्र करना बहुत अहम है, क्योंकि इसको समझने के लिए ऋग्वेदा बहुत अहमियत का हामिल है। ऋग्वेदा गालिबा 1500 और 1300 BC के दरमियान में लिखी गई इस किताब में आर्यन के ज़बान के बारे में लिखा गया है कि यह हिंदू यूरोपियन ज़बानें और इससे कबल के संस्कृत ज़बानें बोला करते थे। आर्यन शायद 1400 और 2000 BC के दरमियान ईरान से आए और अपने पेशों की वजह से बहुत जल्द पंजाब में आबाद हो गए। शुरू में जहां पर आए वहां आबाद होने के बजाय छोटे छोटे गांवों का इंतखाब किया और वहां फसल उगाना शुरू किया। अपने फौजी ताकत को बढ़ाने के लिए घोड़ा और बगी को इस्तेमाल किया। आर्यन मौसीकी के दिलदादा थे। ऋग्वेदा के बाद दो किताबों का मज़ीद इजाफा हुआ, एक रामायण और दूसरा महाभारत। सबसे लंबा नज़म जिसके मुकाबले में आज तक इतना लंबा नज़म नहीं लिखा गया है। इस तनाजुर में देखा जाए तो आर्यन का मजहब कुदरती हुसन का पूजा करना था, यानी किया करते थे। ये बावर किया जाता था कि इनका खुदा कुदरती हुसन को ईजाद करता है, जिसमें से आग बहुत अहम था। आर्यन के बाद बुतमत का दौर आया, फिर बैक्टेरियन ग्रीक्स आए, फिर सीतियांस आए, उनके बाद पार्थियंस आए, जिसमें सूबे सरहद और सूबे पंजाब इनका सेंटर्स रहा। इन तमाम बुतमत तहजीब को वाइट हुंस